कोर्ट में भी श्रीणी ट्रस्ट की तरफ से माना गया कि मुसलमान वो मुस्लिम है। अभी एक जगह का वीडियो भी सोशल मीडिया पे आया था कि कुछ सनातनी जो जागरूक हैं वो एक मंदिर पे जाके विरोध कर रहे हैं कि साईं की मूर्तियां बाहर निकलिए। साईं के मंदिर के आगे पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अब आप लगाते जाइए गिनते जाइए, जितने भी साईं के भक्त हैं वो साईं से कुछ पाते नहीं, वो अपनी एनर्जी इस नमाजी को देते हैं। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारी वो सारे जो कृष्ण के वचन हैं वो उनके मुंह में डाल के उस सूफी मुसलमान को मनोज कुमार ने परमात्मा बनाया। तो साईं को हम लोग न राम मानते हैं न शिव मानते हैं, जो सनातन है वो उन्हें शुक्र दूत मानते हैं, शुक्राचार्य का भेजा हुआ दूत। साधु मस्जिद टूटी तो हिंदू कंफ्यूज, हिंदू बड़ी विचित्र कम्युनिटी है जो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाती है। पहले से ये बुरा है कि मस्जिद क्यों तोड़ दी गई। अगर एक बार मीमांसा कर ली जाती, गहन विचार कर लिया जाता विद्वजनों के द्वारा, और ये लेफ्टिस्ट थॉट ख़त्म होता जो गांधी जी ने दे दिया ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तो शायद उत्तर सामने था, लेकिन ना कोई पढ़ता है ना सुनना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो कब्र पूजा सनातन धर्म में आ गई दरगाहों की वजह से, और ज़्यादातर देखिए तो 90% हिंदू दरगाहों पे ही जाता है। अच्छा सर, ये दरगाहों पे मुसलमान नहीं जाता है। दरगाहों पे जाने का मूल कारण क्या लगता है आपको सर? दरगाहों पे देखिए, इसने उनको मंदिर छोड़ के मस्जिदों के मजारों की तरफ डाइवर्ट किया। डाइवर्ट आइडियोलॉजी उनको कहाँ से मिली? आइडियोलॉजी इसकी भैया कोई नहीं है, ये बस खाली ढोलक बजाने पर होता है कि बहुत पहुँचे हुए हैं वहाँ से काम बन जाते हैं। एक आदमी ने आपसे कहा, आपने और 5 से कहा, उन्होंने और 50 से कहा, 5,000 तक पहुँच गई, काम बन गया, मजार चलने की। लेकिन होता क्या है, ज़रा थोड़ा वैज्ञानिक या थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचिए। 1,000 आदमी गया, उसने मजार पे मांगा कि हमें लड़का हो। जिस एवरेज में जो नेचर का लॉ है उसमें 500 को लड़का होगा और 500 को लड़की होगी, तभी तो हाँ मेल फीमेल रेशियो सही रहेगा, नेचर ने ऐसा बनाया है। जिस 500 के लड़का पैदा हुआ उन्होंने कहा भैया मजार बड़ी पहुंची हुई है, हमने लड़का मांगा था, लड़का मिल लड़का हो गया। जिन 500 की लड़की हुई वो गाली दे रहे हैं कि मजार बेकार है, वो मेरे तो बिटिया पैदा हो गई, मैंने तो बेटा मांगा था। तो कोई उसकी एवरेजिंग नहीं करेगा, कोई इस तरीके से सोचेगा नहीं। विद द रिजल्ट मजार चलने लगी, वो 500 आदमी जिसके लड़का पैदा हुआ बाई लॉ ऑफ एवरेज वो मजार चला रहा है, और वही हिंदू है, और वो कम से कम 500 को तो भेज ही देंगे, 500 को और भेजेगा, फिर यही होगा, फिर यही स्टैटिस्टिक्स चलेगी। तो एक वर्क खड़ा हो जाएगा, चालू हो जाएगी। हाँ, उसकी कंपाउंडिंग करिए तो एक वर्क खड़ा हो जाएगा जो कहेगा कि भाई बड़ी पहुंची मजार है, ये तो वहीं से पैदा हुए, मैंने मुंडन भी इनका वहीं कराया, जब शादी हुई तो बीबी की भी इनको हम लेके गए, और हम तो भैया वहीं जाते हैं अजमेर शरीफ, और तो कहीं जाते नहीं, और ये हिंदुओं में। तो सर ऐसे में तो पूरा तीर्थाटन ही बदल गया। हाँ देख, फिर वही बात आ जाती ना, कभी किसी ने सोचा ही नहीं, मीमांसा ही नहीं हुई। मीमांसा ही नहीं हुई, मीमांसा का अर्थ होता एनालिसिस। जी जी, हमने कभी एनालाइज करने की कोशिश ही नहीं की, बस भेड़ चाल चल रही है, हम भी चलते गए। तो यही जो आपने कहा कि अयोध्या के इस वहाँ भी तो एक मतलब विश्व की सबसे बड़ी जो जमीन दी गई थी सरकार के द्वारा, हाँ वहाँ भी तो तैयारी चल रही है, विश्व की सबसे बड़ी तैयारी चल रही है। अब देखिए कोई लेफ्टिस्ट सामने नहीं आ रहा जो कह दे वहाँ पे शौचालय बनवा दो, हाँ हॉस्पिटल बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, जैसा मंदिर के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा था, पुस्तकालय बनवा दो, पुस्तकालय बनवा दो, कोई नहीं आ रहा सामने। अब वो जमीन मस्जिद ही बनेगी, यहाँ शौचालय बनना था। तो अगर आप अपने कल्चर के बारे में कॉन्शियस नहीं हैं, आप जानना नहीं चाहते हैं चीज़ें, तो फिर आपको कोई मार के तो समझा नहीं सकता। दूसरी प्रॉब्लम आई है, देखिए मज़ारों की पूजा पे जो आपने मूल प्रश्न किया, मज़ार भारतीय संस्कृति का अंग कभी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो लास्ट राइट डिस्पोजल था, जला के समापन करना। लेकिन जो अब्राहमिक फेथ्स आए उनमें ये कह दिया गया जो मरा जल के या जो मरने के बाद जलाया गया वो दोजख जाएगा,
वो नरक जाएगा और जो 6 फीट नीचे गड़ा रहेगा वो स्वर्ग में रहेगा। हाँ, जो 6 फीट नीचे गड़ा है वो तो जन्नती है ही है, वो जन्नती के लिए गाड़ा ही गया है। और उसको जब रिजरक्शन होगा, उनकी भी एक थ्योरी है कि जिस दिन कयामत आएगी उस दिन ये सारी डेड बॉडीज़ जो हैं ये खड़ी हो जाएंगी और जीवित हो जाएंगी। अब इंटरेस्टिंगली एक और सिंथेसिस मैं दूंगा आपको कि शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या है। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है कि जब देवासुर संग्राम होता था तो देवता जब मारे जाते थे तो उनके पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य असुरों को जीवित कर देते थे। इसीलिए अमृत मंथन हुआ, समुद्र का मंथन इसीलिए हुआ कि भैया इससे अमृत निकाला जाए। इसीलिए देवता उस अमृत को ले गए कि अगर इनको मिल गया तो इनके पास मृत संजीवनी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और उसके बाद मालूम पड़ा अमृत भी यही ले गए। इसलिए भगवान को सारी क्रियाएं करना, सारी क्रियाएं करनी पड़ी, उसमें भी राहु पी ही गया आके। तो ये जो मजार वाले जो बैठे हैं हिंदू धर्म में, ये सब राहु हैं जो देवता बन के बैठ गए। आप कह रहे हैं शिरडी के साईं बाबा राम हैं और शंकर के अवतार हैं, आपको पता ही नहीं वो राहु बन के अमृत पी रहे हैं। उनके बारे में तो सर देखता हूँ तो उनको तो बॉलीवुड ने एक तरीके से बड़ा लॉन्च पैड तैयार करके उनको पूरे राष्ट्र पे लॉन्च किया। उससे पहले का तो उनका कोई इतिहास मिलता नहीं है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम, मतलब अच्छे काम से मतलब है कोई बड़ी पुस्तक उन्होंने लिखी हो, ऐसा कुछ तो नहीं। कोई लीला उनकी नहीं है। देखिए, उनको लॉन्च इसलिए किया गया कि जब बाबरी मस्जिद टूटी तो हिंदू कन्फ्यूज था। हिंदू बड़ी विचित्र कम्युनिटी है जो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाती है। पहले तो ये बुरा है कि मस्जिद क्यों तोड़ दी गई, हमें ये भी बुरा लगा। अभी भी कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को बताएंगे कि बाबरी शहीद की गई, और अभी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया कि पहले तो कह रहे थे हम मानते हैं संविधान है ये, अब वो कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने भी गलत फैसला कर दिया। अच्छा, अब एक तो हिंदू कंफ्यूज है, बड़ा सरल है वो तो आप भी जानते हैं कि जब कल्याण सिंह की गवर्नमेंट गिर गई और उन्होंने खाली मंदिर के नाम पे गिरा दी, तो अगर हिंदू उनके साथ होता तो बीजेपी हमेशा लौटती जी। शायद ये जो अब हो रहा है तो बीजेपी बहुत पहले हो गया, बीजेपी बहुत पहले हो गया होता, लेकिन क्यों नहीं लौटी? क्योंकि हिंदू नाराज हो गया कि मस्जिद गिरा दी। उसके बाद नाराज अगर मुस्लिम होता कि जब मंदिर गिराया गया था तो क्या मस्जिद बनती। हाँ, बस तो ये कंपैरिजन है ना, हम नहीं समझ रहे हैं। हम तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम को लेके बैठे हैं और ये टॉक्सिक है, ये जहर है, लेकिन हम इसको लिए बैठे हैं और अमृत तो हमारे पास ही है जिसका हम मार्जन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। परिणामतः ये मज़ारें आपके संस्कृत में प्रवेश कर गई हैं। इनसे सावधान करना आवश्यक है कि यहाँ हमारा आध्यात्मिक बल क्षीण होगा, बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। मज़ार से कुछ मिलना नहीं है, आप जा रहे हैं आपके पौड़ी छीन हो गए, तो उल्टे आपके पुण्य छीन हो रहे हैं। आप जहां वर्जित है महाकाल का स्पर्श, आप वहां उसका स्पर्श करने जाते हैं, अपना माथा फोड़ते हैं उस मज़ार पे जहां एक मुर्दा गड़ा हुआ है। तो मुर्दा परस्ती हिंदू धर्म में मना है, और करनी है तो अपने बाप दादों की करो। वो तो सर उस पर भी अपने बाप दादाओं के लोग ना करें। हाँ। जो अपना सनातन का जो होता है पितृपक्ष होता है 15 हाँ। दिनों का, तो भी उसमें भी चलता है कि अरे अमेरिका में तो नहीं होता है क्या, वहाँ के नहीं पड़ते तो हमारे तरफ तो दोनों चारों तरफ से हमने। देखिए, पितृपक्ष बड़ा एक सहज चीज़ है, इसको भी समझ लीजिएगा, कभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पितृपक्ष को लेकर। हमारे यहाँ नवग्रह से कुंडली बनती है, अगर सारे ग्रहों की महादशाएं आप निकाल लें तो शनि की 19 साल, बृहस्पति की 16 साल, बुध की 17 साल, राहु की 18 साल, केतु की 7 साल, चंद्रमा की 10 साल, ऐसे करके सूर्य की 6 साल, मंगल की 7 साल, इसको जोड़ दीजिए तो 120 साल। तो जो पौराणिक आयु है वो 120 वर्ष मानी गई, लेकिन परिस्थितियों के कारण जो आयु है जिसमें अकाल मृत्यु भी है वो किसी भी समय हो सकती है, और पूर्ण आयु 80 के पार होती है। तो बहुत से ऐसे लोग जो अकाल काल कल्पित हो गए उनको भी मानते हैं वो पितृलोक में 120 वर्ष तक निवास करेंगे। अच्छा। जब तक वो महादशाएं
वो खाली पृथ्वी पे ही नहीं चल रही है, वो ब्रह्मांड में चल रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण, वो ब्रह्मांड में चल रही है। तो वो पितृलोक में उतने समय तक निवास करेंगे, उसके बाद फिर वो अपने उसके पश्चात वो कर्मानुसार पुनर्जन्म लेंगे। तो जब तक वो पितृ हैं तब तक हमें उनकी उपासना करनी है। वो पितृ हैं, वो देवत्व को प्राप्त हैं, लेकिन किसी कारण इस परिस्थितिवश इस संसार में अकाल काल कल्पित हुए, पूर्ण आयु नहीं पाए। और अगर पा भी गए, 80-90-100 पा भी गए, उसके पश्चात भी 120 की आयु नहीं है, तो 20 साल तो वो पितृलोक में रहेंगे। तो ये तो उससे जुड़ रहा है, जैसे कि रामानंद सागर जी ने रामायण में दिखाया भी है कि राम भगवान को वो जब दशरथ जी का सुर्गवास होता है तो वो भगवान राम को वन जब सारा उनका कंप्लीट होता है वनवास लगभग आने को, तो वो पितृलोक से उनको मतलब दर्शन देते हैं, कहते हैं कि हम बहुत प्रसन्न है कि आपने तो बहुत बड़ा आकार। तो देखिए तो आपका बात उसे जुड़ता हुआ, कितनी बढ़िया बात है कि दशरथ जी की मृत्यु भी तो अकाल काल कल्पित है जी, कि वो पुत्र शोक में नहीं रहे। उनको श्राप भी था कि आप वो तो था जो कर्म, लेकिन उसमें भी मैं जैसे मर रहा हूँ वैसे तुम मरोगे। इसका अर्थ है वो आयु चाहे जितनी भी लेके आए हो अपनी जन्म कुंडली में ग्रह अनुसार, लेकिन वो आयु छीण हो गई श्राप के कारण। तो इस संसार से तो शरीर त्याग हो गया, लेकिन उस आयु का जो सेकंड हाफ बचा था वो तो पितृलोक में उन्होंने जिया ना जी। जी तभी तो वो कह रहे हैं कि भाई कंप्लीट हो, तो हम बहुत प्रसन्न हैं, इसीलिए वो भगवान श्री राम को देख रहे हैं, आ रहे हैं। तो ये जो पितृ हैं, अब हम ये मान लें कि हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी पितृलोक में होंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए 3 बस पीढ़ी जब पिंडा पार आ जाता है तो बाबा पर बाबा और नगर दादा नगर बाबा पर बाबा बास नाना पर नाना और पर नाना। ये पंडित नहीं कहता है कि 15 पीढ़ी के पारो, 150 पीढ़ी के पिंडा पारो, कहीं नहीं कहेगा। बिल्कुल, सिर्फ 3 पीढ़ी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की ली जाएंगी। अगर इसको वैज्ञानिक रूप से पुनः नहीं समझा गया, न समझाया गया, खिल्ली उड़ाने वाले पहले खड़े हो गए। हाँ, वो तो लेफ्टिस्टों का काम ही है कि अगर आप तुमको भावना देनी है, आप कुछ शुरू करो। जैसे पुराने राक्षस होते थे ना जी, जी कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो वो हा 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 करते हुए हड्डी हड्डी और आकाश मार्ग से नीट और विष्ठा वगैरह लेके आ जाते थे आकाश मार्ग से, और उसी में डालना शुरू कर देते। लेफ्टिस्टों को वही कार्य है कि सनातन कोई कार्य शुरू करे, मंदिर बन रहा है अब इसी के विरोध में लग जाओ। तो ये बस वही हड्डी डालने वाला कार्य। सर मूल पे वापस लौटेंगे कि जैसे आपने अभी साईं बाबा का जिक्र किया, तो एक सनातन धर्म में एक बड़ा वर्ग है जो उनको परब्रह्म लिखता है, मानता है, और जबकि अपने हमारे जो शंकराचार्य हैं उन्होंने बाकायदा उस पर विरोध किया, और जो एविडेंस थे वो भी दिखाए, कोर्ट में भी श्रेणी ट्रस्ट की तरफ से माना गया कि मुसलमान वो मुस्लिम है। अभी एक जगह का वीडियो भी सोशल मीडिया पे आया था कि कुछ सनातनी जो जागरूक हैं वो एक मंदिर पे जाके विरोध कर रहे हैं कि साई की मूर्तियां बाहर निकली है, ये हमारे मंदिर में नहीं रहेगी। तो ऐसी खबरों को भी दबाया भी जाता है। देखिए ऐसा है, एक तो इसका नाम आप देखिए, सबसे पहले जो फकीरी पीपल है फारूक शानवी की, उसके अंदर वो उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन आया, किसी और ने किया है, उसमें इसका नाम दिया हुआ है गईजुद्दीन मईजुद्दीन फजलुल्ला हाजी उर्फ चांदमिया उर्फ साईं बाबा, और सारा कुछ पीछे करके बस एक टाइटल, बस सिर्फ एक टाइटल, और जो कहता था अल्लाह मालिक है। ठीक है, इस वजह से बाबा कहते थे क्योंकि बाबा की जो भी सिद्धि है वो नमाज से है, इसलिए ये भी कहा गया वो नमाज, कहा क्या गया, लिखा है साईं चरित में कि वो नमाज पढ़ते थे। अब जिस व्यक्ति ने आप जो हैं वो भैंसा खा के ताकतवर बने, हम जो हैं वो आलू खा के ताकतवर बने, तो हमारी आपकी डाइट या हमारी आपकी सिद्धि में अंतर है ना। बिल्कुल, शरीर में शक्ति दोनों ने अर्जित की, लेकिन आपने कैसे करी, नॉन वेजिटेरियन से, हमने कैसे करी, वेजिटेरियन से। अब अगर आप अपनी वेजिटेरियन एनर्जी हमको दे दें तो मालूम पड़ा कि आप तो दुबले हो गए, हम ऑलरेडी नॉन वेज हैं, इतना खाए बैठे हैं, और आपकी वेजिटेरियन एनर्जी भी हमने खींचना शुरू कर दी।
परिणामतः जितने भी साईं के भक्त हैं, एक उदाहरण एनालॉजी दी है मैंने, इसको समझिएगा जी, जितने भी साईं के भक्त हैं वो साईं से कुछ पाते नहीं हैं, वो अपनी एनर्जी इस नमाजी को देते हैं। तो वो जो लोगों में एक माइंडसेट है कि हमको मिला नहीं, मिला कुछ नहीं, मिला अगेन लॉ ऑफ एवरेज से है। जब आप पैदा हुए हैं इस दुनिया में, आप कोई कर्म कर रहे हैं तो आप अर्जित कुछ ना कुछ तो उस कर्म के परिणाम स्वरूप आप पाएंगे ही। आपने बड़ी मेहनत की तो फर्स्ट डिवीजन तो आ ही जाएगी, कम पढ़ा तो सेकंड डिवीजन आएगी, नहीं पढ़ा तो थर्ड हो जाएंगे। लेकिन कोई मिरेकल नहीं है ये, मिरेकल बस यही होता है कि आपको आपके लेबर का राइट टाइम में अवार्ड मिल गया, यही मिरेकल, और कोई मिरेकल नहीं। जो शुक्राचार्य की सिद्धि है, मैं फिर जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने साईं की बात करी तो आपने अब्राहमिक फेथ की बात की जी। अगर आप अब्राहमिक की बात कर रहे हैं तो आप अब्राहमिक सूफिज्म की बात कर रहे हैं, और जब आप अब्राहमिक सूफिज्म की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप सनातन धर्म के अनुसार असुर गुरु शुक्राचार्य की बात कर रहे हैं। तो साईं को हम लोग न राम मानते हैं न शिव मानते हैं, जो सनातन है वो उन्हें शुक्र दूत मानते हैं, शुक्राचार्य का भेजा हुआ दूत मानते हैं सूफी, इसलिए वो शुक्र दूत हैं। शुक्राचार्य की ये विशेषता है कि वो आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं, जैसे स्कैरिस नहीं होता है जी, पेट में पड़ा है, आप खाइए अच्छे से अच्छा खाइए, आप दुबले ही होते जाएंगे जी, क्योंकि जो उसका जूस बनेगा वो सब पी जाएगा। तो आप कहते हैं मैं तो घी भी खाता हूँ, और मैं तो लग नहीं रहा मुझे, लग कुछ नहीं रहा भैया, हम पीले होते जा रहे हैं, जब पेट में स्कैरिस बैठा है तो ये होगा। तो साईं की आप जितनी भी पूजा करिए तो इससे आपकी ऊर्जा हो रहा है, आपकी ऊर्जा वो खींच रहा है, उसके पास देने को कुछ नहीं है, और अगर देगा भी तो आपकी ऊर्जा से ही देगा। अर्थ आप समझे कि मान लीजिए आपका स्पिरिचुअल अकाउंट कर्मों का बहुत बड़ा है, उसका फल समय अनुसार मिलेगा, ग्रह होंगे, महादशाएं आएंगी, समय आएगा, वो कर्मानुसार मिलेगा, इसीलिए लोग फ्रॉम रैक टू रिचेज हो जाते हैं। यहाँ साहब कुछ नहीं था, झुग्गी में पैदा हुए थे, बहुत कुछ हो गया, सब हो गया, और साहब भारत के राष्ट्रपति हो गए, लाइक प्रणब मुखर्जी साहब, उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तो नाव के पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं पार करके जाऊं, तो मैं तैर के जाता था। तो इस अटर पावर्टी से उठ करके वो राष्ट्रपति हो गए। जब उनका अकाउंट खुला, स्पिरिचुअल समय अच्छा आया, तो उनके कर्म ऐसे थे पूर्व जन्म के कि वो प्राप्त कर गए। एक उदाहरण है, ऐसे हजारों लाखों लोग भरे हैं दुनिया। हाँ, पूर्व उससे पहले भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन यही अकाउंट जब आप किसी सूफी के पास पहुंच जाएंगे, उसे गुरु बना लेंगे, तो वो एकदम से आपका वो अकाउंट नंबर देख लेगा, क्योंकि अब आप उसके चेले बन गए, अब उसका अधिकार आप पे हो गया है। हो गया। लोग कहें आप क्यों ऐसा, अरे मैं गुरु हूँ, ये मेरा शिष्य है, मेरा अधिकार है। अब उसने आपका अकाउंट देखा और सारे पैसे उससे निकाल लिए, उससे उसकी ग्रोथ हो गई। शुक्राचार्य जी की ग्रोथ ऐसे ही होती है, वो अपने शिष्यों का पैसा, आध्यात्मिक धन या ऊर्जा घसीटे रहते हैं, खुद मोटे होते जाते हैं, शिष्य दुबले होते जाते हैं, उनकी जय वो भी कटते रहते हैं। तो सर ये जो साईं बाबा हैं, हाँ, कोई बहुत पहले से तो है नहीं इनको, तो जो मैं जान पाता हूँ पर्सनली वो स्टडी करने पर, जो आम लोगों तक पहुँचे उनको भारतीय सिनेमा ने ही एक तरीके से स्थापित किया, और एक ही मनोज कुमार की पिक्चर आई थी जी 76 में, शिरडी के साईं बाबा। और उसमें आखिर में उन्होंने उनको परमात्मा बना के खड़ा कर दिया कि मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारे मन में हूँ, तुम्हारी वो सारे जो कृष्ण के वचन हैं वो उनके मुंह में डाल के उस सूफी मुसलमान को मनोज कुमार ने परमात्मा बनाया। हाँ, मुझे याद है वहाँ पे ऐसा। अगर साई में मैं देखता हूँ, जो मैं अपने में कंपेयर करता हूँ, सोचता हूँ कि साई में अगर इतनी शक्तियाँ थीं रियल में, जितना अभी दिखा दिया गया पिक्चरों में, सीरियलों में, किताबों में कर दिया गया, उनको लिख दिया गया, तो उनकी जो ख्याति है वो भारत से बाहर नहीं दिखती है। जबकि हमारे एक पास के ही हैं
बाबा नीम करौरी महाराज, उनकी ख्याति आप देखिए, जब डिजिटल जमाना भी नहीं है, उनकी ख्याति अमेरिका में है उस टाइम, वहां से लोग आके उनके शिष्य बन रहे हैं। एक व्यक्ति जो अमेरिका के लोगों को खींच रहा है। अब बड़ी अच्छी बात आपने कही वाजपेयी जी, अब एक अंतर मैं सामने रख देता हूँ। मैंने भी साईं की किताबें पढ़ी हैं, देखा है, एक समय था कि मेरे घर भी इनकी मूर्ति आ गई थी, वो तो खैर बाद में फेंक दी गई। अच्छा, आपके यहाँ पे भी वो पहुँच गए थे? पहुँच गए थे, वो सभी लोग बट रही थी, आ रहे थे। एक चल रहा है, वो बड़ा चल रहा है, फैशन था जिसके अंदर लगता था कि इनके घर है, हमारे घर क्यों नहीं है, इस टाइप का था। तो ये सब तो चलता है। खैर, हनुमान जी के नाम के आगे सिर्फ एक छोटा सा विरुद्ध लगा होता है हर मंदिर के आगे, संकट मोचन। इससे ज्यादा कभी आपने कुछ लिखा देखा? चाहे आप बनारस जाइए, चाहे आप कैची धाम जाइए, और चाहे आप बालासुर जाइए, आप हर जगह एक पत्थर, संकट मोचन, दैट इज दी एंड। साईं के मंदिर के आगे पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अब आप लगाते जाइए, गिनते जाइए, जितने लिख सकते हैं सब लिख डालिए, सारे अलंकार लगा दीजिए, हाँ सारे सारे एडजेक्टिव लगाने के बाद उनका नाम आता है, विश्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा साईनाथ महाराज अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक। हनुमान के आगे तो इतना सा लिखा हुआ है संकट मोचन, तो हिंदू सोचता है ये बहुत छोटा है, इतना ही, इसके आगे इतना बड़ा लगा हुआ ये कहीं नहीं। सारी डिग्रियां हैं इनके पास, ये सारी हैं, इनके पास कोई कमी नहीं है, ये यही परमात्मा है। जब आप पहुंचे तो आपको पता चला कि जो डीजी रैंक का है उसके आगे लिखा है संकट मोचन, और जो सिपाही है उसके आगे इतना बड़ा दे। जब आप तजुर्बा करेंगे तब आप आध्यात्मिक रूप से, अन्यथा तो वो परमात्मा बन गए आपकी माइंड में, आपका थॉट वही हो गया, लेकिन जब आप तजुर्बा करेंगे तो आप देखेंगे कि वो तो सिपाही बराबर भी नहीं है, स्पिरिट्स हैं, इसीलिए लोग मजारों पे जाते हैं। हाँ, वो खींच रहे हैं, कुछ तो है, मजारों पे जाते हैं। अब कैसे होती हैं, इसका भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको दे दूं। मजारों पे एक मौलवी साहब थे यहीं पे देवा शरीफ में, उन्होंने कहा